अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नायलम। ये नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सनअतें लगाने की दावत दे दी है। यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाक चीन तआवुन बढ़ाने के हवाले से जायजा इजलास हुआ। मुख्तलिफ वफाकी वजारतों ने दो तरफा मुआशी तालुकात में बेहतरी के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकत दार है। शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सनअतें लगाने की दावत देते हैं। चीन से ज़राअत, आईटी और तवानाई के शोबों में तआवुन के साथ पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफा भी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि चीनी सनअतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से जामिया प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। सीपैक के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी तआवुन से ग्वादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक का हब बनाया जाएगा। वजारत नए मनसूबों की तैयारी और बिजनेस टू बिजनेस रवाबत बढ़ाने के इकदाम यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमने मिल बैठ कर मसले का हल निकालने की कोशिश की है, वफाक और सूबा मिलकर काम करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर अवेस लगारी ने मुशतरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि तमाम अदारे मिलकर काम करेंगे। हमारा लोड शेडिंग का मसला है, हमें फख्र है हमारा सूबा बिजली पैदा करता है। हमने मिल बैठ कर मसले का हल तलाश करने की कोशिश की है, सूबा और वफाक मिलकर काम करेंगे। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि मामला हल होने में वक्त लगेगा, तब तक आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाएगा, लॉसेज में कमी आएगी, हम सोलर की तरफ आवाम को लेकर जाएंगे। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह बैठ कर हमने मामला को हल किया। उन्होंने हमारे सूबे की आवाम के मसाइल का इदराक किया। हमारा मकसद सूबा खैबर पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग फ्री करना है। वफाकी वजीर अवेस लगारी का कहना था कि आज सियासी मुखालफीन पेशमान और शर्मिंदा हुए होंगे, आज हमने मिलकर मामला को सुलझाने की कोशिश की है। मैं वजीर दाखला का मशकूर हूँ, उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म फ्राहम किया, हमने एक दूसरे को अपने अपने प्लान्स बताए। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे के अलावा दीगर सूबों के लिए भी मिसाल बनेगा। अवेस लगारी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में बिजली की चोरी को खत्म करेंगे, उनका प्रोग्राम कम्युनिटी बेस है, लोगों को गाइड करेंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान की मीशत को बेहतर करने के लिए बड़ा इकदाम उठाया है, हम इस पर वज़ीर आला के मशकूर हैं। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का कहना था कि मेरा और मौलाना फजल रहमान का 25 साल पुराना ताल्लुक है, ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मेरा उनसे ताल्लुक खराब हुआ हो। मैं वज़ीर दाखला बन गया हूँ तो क्या मौलाना फजल रहमान के साथ ताल्लुक छोड़ दूं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का 9 मई के 8 मुकदमात में 9 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया कि वो शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की रिपोर्ट 5 जून को पेश की जाए। अदालती फैसले में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी से वीडियो लिंक के जरिए तफ्तीश की जाए। फैसले में मजीद कहा गया कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जम ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पैगाम जारी किए। मुल्जम की जानिब से सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तमाम मवाद फ्रांसिक लैब भिजवा दिया गया है। ख्याल रहे कि पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दद मुजाहिरों को हवा देने के इल्जाम में गुज़िश्ता साल 10 मई को रात गए इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।